बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम नेट प्रैक्टिस के लिए आए हुए हैं। हमारी टीम का जो है वो इस फ्राइडे को मैच है, तो हम सारे इधर प्रैक्टिस के लिए हैं, नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस टाइम वकास भाई, ये हमारे साथ मौजूद हैं इस टाइम हमज़ा बॉलिंग करेंगे। यार सब लोग आ जाओ प्रैक्टिस पे। वेल बॉल्ड हमजा। ये हमारे कैप्टन समाद भाई, समाद भाई जो है आया। अच्छा, ये हमारे ये सादिक भाई, ये हमारे ओपनर बैट्समैन। हमारे साथ मौजूद है वकास भाई, हमारी टीम के ओपनिंग बैट्समैन। इनसे थोड़ी बात करते हैं सेमीफाइनल के बारे में। वकास भाई, तो क्या कैसी प्रैक्टिस है आपकी? प्रैक्टिस शुरू की हुई है 7 महीने के बाद दोबारा से। ये कोरोना वायरस की वजह से बंद थी क्रिकेट मदीना मुनव्वरा में। अभी हमारा पेंडिंग था सेमीफाइनल, इंशाल्लाह तैयारी कर रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह बेस्ट विशेज हैं अपनी टीम के साथ और पूरी एफर्ट कर रहे हैं, अल्लाह करे। हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं आफ्ताब भाई, क्राउन स्टील के कैप्टन। आइए इनसे पूछते हैं कि उनकी टीम के बारे में क्या सूरत हाल है, जो फाइनल सेमीफाइनल होने वाला है जुमे को। जी आफ्ताब भाई, क्या कहेंगे आप अपनी टीम के बारे में? शुक्रिया सुहेल भाई। जैसे आपको पता है कि 6-7 महीने लॉकडाउन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा ज़िंदगी वापस आ रही है, और इस जुमे हमारा जो पेंडिंग सेमीफाइनल था वो दोबारा से होने वाला है। तो कोशिश कर रहे हैं उसके लिए टीम को प्रिपेयर करने की। अभी 2 दिन से ग्राउंड में ही अवेलेबल हैं और हमने नेट प्रैक्टिस की है। बड़ा हार्ड है स्टार्टिंग के अंदर, तो कल बंदे काफ़ी थक गए थे और आज कुछ स्टेमिना कल की निस्बत थोड़ा बेहतर है। कोशिश करेंगे आने वाले 4-5 दिनों में थोड़ा हार्ड वर्क करें ताकि जुमे वाले सेमीफाइनल में अच्छा परफॉर्म कर सकें। आप क्या समझते हैं कि जो आपकी जो पहली हालिया परफॉर्मेंस थी आपकी टीम की, आपके बॉलर्स की, ओपनिंग बैट्समैन की, क्या कोरोना के बाद और ये जो 6-7 महीने का गैप आया उसके बाद ये दोबारा कम बैक कर सकते हैं? इंशाल्लाह करेंगे। हमारी टीम में जैसे आपको बताया हमाद सईद जैसे स्टार बैट्समैन हैं हमारे पास। वकास है, बहुत अच्छा खेल रहा है। सादिक भी कम बैक कर रहा है दोबारा से, इंशाल्लाह वो भी बहुत अच्छा खेल रहा है। हमारी एक्चुअली जो डिसएडवांटेज है कि हमारी टीम है हार्ड बॉल की और हम 7 महीने से टोटली डिसकनेक्टेड थे, और अभी दोबारा फॉर्म में आने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत अच्छा सेमीफाइनल देखने को मिलेगा सबको, जो मदीना में सेमीफाइनल देखेंगे इंशाल्लाह। ये जो पिछले दिनों में ये भी देखने में आया कि आप अपनी टीम को ले कर फिटनेस के लिहाज से बड़े यहाँ पर एफर्ट कर रहे थे, पूरी टीम को आपने इकट्ठा किया आप खुद की अपनी फिटनेस, तो क्या समझते हैं कि अभी आपकी टीम इंशाल्लाह फिट है या कुछ इसमें और कमियां हैं पूरी करने के लिए? हमने लॉकडाउन के दिनों में भी इवन हमने शाम को काफ़ी हार्ड वर्क किया है। डेली 1.5 से 2 घंटे हम 5 से 6 लोग जो थे अवेलेबल मदीना में, हम जाते रहे, बाकायदा एक्सरसाइज करते रहे, जॉगिंग करते रहे हैं। जो हमारे यंगस्टर थे वो तो 10 किलोमीटर तक करते रहे हैं और हम जो सीनियर्स थे 5-6 किलोमीटर हम लोग भी करते रहे हैं। तो एज ए स्पोर्ट्समैन हमने लॉकडाउन में भी छोड़ा नहीं है, अपनी फिटनेस को मेंटेन रखने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी क्रिकेट स्किल का नाम है, जब तक आपको क्रिकेट बैट और बॉल हाथ में लेके आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। इसीलिए ये 4-5 दिन हमने कैंप ही समझ लें इसको, जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उस हिसाब से ये हमारा कैंप ही लगा हुआ है। हम 7 से 8 लड़के आज आए थे, इंशाल्लाह कल ज़्यादा आएंगे और कोशिश यही है कि अच्छा खेलें। और अपनी टीम के लिए आपका कोई स्पेशल मैसेज या दूसरी टीमों के लिए? अपनी टीम के लिए मैसेज यही है, क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट डिसिप्लिन, कि जब तक डिसिप्लिन नहीं है, आपकी कमिटमेंट नहीं है, आप में क्रिकेट का पैशन नहीं है, उस टाइम तक ना तो आप परफॉर्म कर सकते हैं, ना आप इंजॉय कर सकते हैं, ना ही आप अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं। इसलिए मेरा मैसेज यही है अपनी टीम के लिए और बाकी जो भी मुझे सुन रहे हैं कि क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट पैशन। अगर आप में पैशन है, आप में शौक है, कमिटमेंट है, उसको टाइम दें, आप सीख सकते हैं, आप बहुत अच्छा खेल सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सुहेल भाई, थैंक यू। जी इस टाइम मौजूद है हमारे साथ हमाद भाई। हमाद भाई से पूछते हैं कि हमाद भाई, ये जो कोरोना के बाद कोविड-19 के बाद जो सूरत हाल है आपकी एसोसिएशन की, क्या कहते हैं आप? प्रेसिडेंट ऑफ मदीना मुनव्वरा क्रिकेट एसोसिएशन, एज सच कोई ख़ास तो इंतजाम नहीं किए हम लोगों ने यहाँ पर क्योंकि फैसिलिटीज़ नहीं है इतनी, लेकिन फिर भी जो सऊदी क्रिकेट सेंटर जिनके हम अंडर हैं उन्होंने कुछ SOPs दी, उनको हम फॉलो करेंगे। और हमारा पहला मैच जो है वो 11 सितंबर को है, आफ्टर कोरोना वायरस। खैर कोरोना वायरस ख़त्म तो नहीं हुआ लेकिन फिर भी हमारा पहला मैच है इंशाल्लाह 11 सितंबर को, और पहला ही मैच हम लोगों का क्राउन स्टील का टफ आ गया है और वो सेमीफाइनल है। तो आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है, बाकी मेहनत तो हम लोग कर रहे हैं,
कल परसों से स्टार्ट की है, जो पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज वगैरह की थी उसका और इसका ज़मीन आसमान का फ़र्क है, उससे इसका कोई कनेक्शन नहीं बन रहा। मतलब हम 8-10 किलोमीटर वॉक करते थे, जॉग करते थे, एक्सरसाइज करते थे, लेकिन वो और नेट प्रैक्टिस, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मेरी जो यंगस्टर्स हैं उनको यही है जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं कि भाई क्रिकेट खेलो अगर क्रिकेटर बनना है, तो क्रिकेट के खेलने से प्रैक्टिस करने के अलावा आप लोग कुछ भी नहीं हासिल कर सकोगे। उमाद भाई, जो बाकी टीम्स हैं जो अभी फाइनल किसी भी फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर चुकी हैं, जो उनके बारे में आप क्या कहेंगे कि आगे कोई इस तरह कोई इवेंट आप दोबारा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या नहीं? जी जी, नया टूर्नामेंट अनाउंस हो चुका है, बल्कि सऊदी का नेशनल डे आ रहा है, यौमुल वतनी आ रहा है सऊदीया का, उसके ऊपर हम एक सुपर सिक्स भी करा रहे हैं और T20 भी जो सऊदी क्रिकेट सेंटर का है वो भी, उसके भी ड्रॉज इस नेक्स्ट वीक में। तो बस यहाँ पे सुबह सेमीफाइनल होंगे और शाम को नया टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाएगा। उमाद भाई, ये जो बाकी टीम्स हैं, क्राउन स्टील होगी या दूसरी टीम्स हैं सेमीफाइनल, तो क्या कहते हैं कि उनको खेलने के लिहाज से कोई डिफ़िकल्टीज का सामना तो नहीं करना पड़ेगा पुलिस की तरफ से या और कुछ इस तरह का कोई मामला तो नहीं होंगे? नहीं नहीं नहीं, जैसे आपको पता है कि सऊदीया के मिनिस्ट्री ने भी ये जो है ना SOPs के साथ क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट्स जो है वो उसको अलाउ कर दिया है। और क्रिकेट जो है माशाल्लाह वो सऊदीया में आफ्टर फुटबॉल सेकंड बिगेस्ट गेम है, तो टेप बॉल तो हर जगह चल रही है, बल्कि एक महीने से चल रही है, तो इससे मेरा नहीं ख्याल कि हार्ड बॉल में कोई इशू होगा। ठीक हो गया। उमाद भी थोड़ा सा ये भी बता दें अपनी परफॉर्मेंस के बारे में कि आप अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है और आप इंटरनेशनली भी खेल चुके हैं सऊदीया की तरफ से, तो ये जो कल परसों सेमीफाइनल आ रहा है कुछ दिनों में, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस और आपकी फ़िटनेस के लिहाज से आप कुछ इस बारे में बताएं हमें? देखें जी, अल्लाह पे तवक्कुल रखता हूँ, मेहनत करता हूँ और अल्लाह उसका फल देता है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे। और मैं हर लड़के से ये कहता हूँ जब भी मेरी मीटिंग्स होती हैं कि सेमीफाइनल किसी भी टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच होता है, क्योंकि आप सेमीफाइनल में से हारते हो तो आप बिल्कुल, आपको आपका पता ही नहीं आप लोग कौन थे कौन नहीं। फाइनल आप हारते हो तो कम से कम आप रनर अप रहते हो, तो इसलिए कोशिश करेंगे, एफर्ट करेंगे, बाकी हार जीत अल्लाह की तरफ से इंशाल्लाह। शुक्रिया। बस आखिर में आप अपनी टीम के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? टीम मेरी माशाल्लाह अच्छी है, फिट है, मतलब अब जाहिर है सब लड़के 30+ हैं, तो वो फिटनेस तो मैं इनसे नहीं मांगता जो होनी चाहिए। और वैसे भी COVID-19 है, काम के, जॉब्स के मसले हैं सबके, तो परेशानी अगर आपके साथ हो तो आपकी वो फिटनेस नहीं रहती, लेकिन फिर भी लड़के इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि एफर्ट करेंगे। बस उमाद भाई, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते, बस आखिरी एक बात, आपके टीम के बहुत से मेन प्लेयर जो आपके हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में या सऊदी अरब में मौजूद नहीं है, तो क्या उनकी न होने की वजह से आपकी टीम पर कोई इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं? देखें जी, मेरे 3 लड़के इस वक्त पाकिस्तान में और वो तीनों के तीनों फाइटर हैं, तो फाइटर का टीम में होना बहुत ज़रूरी है। फ़ाइटर्स के बगैर आप जो है ना मैच नहीं जीत सकते। फिदाउल्ला फ़ाइटर, आसिफ बबलू फ़ाइटर, इमरान खिची फ़ाइटर, ये तीनों फाइटर्स मेरे साथ नहीं है और मेरा बहुत बड़ा मैच है, लेकिन इंशाल्लाह फिर भी हम कोशिश करेंगे। तो माशाल्लाह पिछले जो सीज़न चल रहा था उसमें भी उन्होंने हैट्रिक की थी, आई थिंक 5 विकेट्स ली थी उन्होंने, तो आप उनको मिस करेंगे? आसिफ को मैं मिस करूँगा, फिर उसके बाद इमरान खिची माशाल्लाह थ्रू आउट द, जब से हमारे पास आया वो दूसरा टूर्नामेंट उसका हर मैच में उसका 50 है, तो ऐसे प्लेयर्स को हम डेफिनेटली मिस करेंगे। थैंक यू उमाद भैया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। वेलकम वेलकम वेलकम, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह।